everyone, how are you? Hope you all are doing well. This is me, Kanika, your science teacher, is back with another video of science, in which we will start our new chapter of physics, class 10th, chapter number 12, magnetic effect of electric current. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है आपकी क्लास 10th का ये. बड़ी क्लासेस में इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है. सो आपने क्या करना है, चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है एंड वीडियो को जो है एंड तक देखना है. वीडियो अगर आपको पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स. ओके, सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलिए, हाँ जी बच्चों, हमने क्लास 10 का जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा था और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ना हमने तीन मेन इफेक्ट को जो है डिस्कस किया था. कौन कौन से तीन मेन इफेक्ट को जो है हमने डिस्कस किया था, मैं आपको बता देती हूँ एक बार आप यहाँ दोबारा से, कि हमने कौन कौन से जो है तीन मेन चैप्टर के इफेक्ट को डिस्कस किया था. कौन कौन सा? पहला हमने डिस्कस किया था केमिकल इफेक्ट के बारे में. केमिकल इफेक्ट के बारे में इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, केमिकल इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था. सेकेंड हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, बिल्कुल सही है, ये पढ़ा था हमने. थर्ड हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट के बारे में इलेक्ट्रिक करंट के. ठीक है, ये तीनों जो है हमने मेन इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपके पढ़ लिए थे. जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वाली वीडियो को नहीं देखा है, आपके पास आई बटन आपको दिख रहा होगा ऊपर वीडियो में, आई बटन पर जाकर फटाफट क्लिक करिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए. ठीक है, सो आज वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, आज वाली वीडियो में जो है हम मैग्नेटिक इफेक्ट को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम ही आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके बारे में हम जो है ब्रीफली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और दो मेन पॉइंट को पढ़ेंगे. क्या क्या? एम एफ को और एम एफ एल को. अब ये एम एफ क्या है और ये एम एफ एल क्या है, इसको पता करने के लिए आपको पूरी वीडियो में जो है मेरे साथ एंड तक बने रहना है. तो चलिए देख लेते हैं आज के चैप्टर का आपके पास ओवरव्यू क्या क्या है. तो आज के चैप्टर का जो लेक्चर का आपके पास ओवरव्यू है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में. देन ऑब्जर्विंग एम एफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जो मैंने पहले आपको बताया है कि एम एफ एल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और एम एफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है. देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कस करेंगे. देन व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती. ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली मिलता है. आप कभी भी कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ज़रूर मिलेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये, इसको बहुत ही अच्छे से समझना, चाहे नोट डाउन भी करना. देन फिफ्थ है बार मैग्नेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो ये पाँच बातें जो हैं, पाँच मेन टॉपिक्स हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती उसके बारे में पढ़ेंगे. देन बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़. तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ना है, क्या है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऐसा आपके पास. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, ये आपके पास फुल नेम है साइंटिस्ट का जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को दिया था. ठीक है, तो क्या है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट. कौन से? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड. ये आपके पास लीडिंग साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी के, जिन्होंने आपको क्या दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था. यानी कि वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म. आप देखो वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म, और इससे आपके पास क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म, दो वर्ड्स आ गए हैं। इलेक्ट्रो से क्या रिलेट कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मैग्नेट के लिए, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, क्या है, बिजली। मैग्नेटिक चुंबक, मैग्नेट, कोई भी चुंबक वगैरह होता है ना, बचपन में आपने प्ले करके देखा होगा, चुंबक के पीसेस आते थे, बच्चे क्या करते थे, उसके साथ खेलते थे। इवन मैंने भी बहुत ज़्यादा उसमें खेला है। क्या होता है, चुंबक दोनों आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जब बार मैग्नेट वाला टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। ठीक है, इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby it। इस लाइन का अभी मतलब जो है हम इस एक्सपेरिमेंट से जो है पढ़ेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी जो है दिया हुआ है। क्या एक्सपेरिमेंट है, आपके पास दो सर्किट है, मान लो ये आपके पास फर्स्ट सर्किट है और ये आपके पास सेकेंड सर्किट है। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब फर्स्ट सर्किट में देखो, ये कैसा है, ओपन स्विच है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये स्विच लगा हुआ है, ये आपके पास क्या है, निडल लगी है। ओपन स्विच यानी कि इसके पास कोई भी करंट नहीं है, इस सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है, नो करंट। और दूसरे वाला कैसा है, क्लोज स्विच, यानी कि करंट क्या है इसमें, फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग। अब देखो, अब करंट नहीं है सर्किट के अंदर। आपने देखा होगा ये जो नीडल है, ये नीडल है, ये आपके पास क्या है, नीडल है। अब ये नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यानी कि कुछ नहीं है, अपने पोजीशन में चेंज लेके आ रही। डिफ्लेक्शन मतलब ना ही ये रोटेट हुई है वेस्ट के टूवर्ड्स, ईस्ट के टूवर्ड्स, साउथ के टूवर्ड्स या नॉर्थ के टूवर्ड्स, ये सिर्फ एक ही पोजीशन में पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि स्विच कैसा है, ओपन है, कोई करंट आपके पास इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर रहा है। और सेकेंड सर्किट की अगर हम यदि बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये आपके पास सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है, बंद है सर्किट, करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। आप देखो नीडल, ये आपके पास जो नीडल की डायरेक्शन है, ये क्या हो रही है, इसके अंदर क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुई है, इसके अंदर क्या हुई है, डिफ्लेक्शन हुई है आपके पास। ये नीडल की देखो, स्ट्रेट नहीं है नीडल, ये देखो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इससे इसकी क्या हुई है, ये डिफ्लेक्शन इसके अंदर आपके पास हुई है। तो इस लाइन का मतलब यहाँ से देखो, डैट अ कंपास नीडल गोट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस नियर बाय इट। अब आपके पास क्या है, ये सर्किट है, ये आपके पास उसकी वायर लगी हुई है। अब जैसे ही ये स्विच ऑफ था, करंट नहीं था, तो इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई, नीडल की ऐसे ही पड़ी रही, कुछ चेंज नहीं आया इसकी पोजीशन में। लेकिन जैसे ही हमने सर्किट को क्या कर दिया, बंद कर दिया है, और हमने इसके अंदर करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके अंदर क्या हुआ, मेटेलिक वायर के अंदर क्या हुआ, करंट आया है। और इस नीडल ने क्या किया है, करंट को एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही इस नीडल ने इस करंट को एक्सपीरियंस किया है तो इसने क्या किया है, डिफ्लेक्शन शो की है ना। तो यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि क्यों करंट के चलने से इस नीडल ने, जो मैग्नेट की बनी हुई है, इसने डिफ्लेक्शन को शो किया है, वाई, क्यों। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है ना, दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तभी तो इस नीडल ने क्या किया है, डिफ्लेक्शन को करना स्टार्ट किया है ना। यही बात है, इन दोनों के बीच में डिफ्लेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या मिलता है कि ओरस्टेड ने कंक्लूड किया यहाँ से कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो बार मैग्नेट है आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इस एक्सपेरिमेंट से आपने ये देख भी लिया है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं एक्सपेरिमेंट को। आपने क्या किया था, आपने दो सर्किट आपके पास रखे हुए हैं, एक सर्किट में आपने देखा है, या आपने देखा है कि इस सर्किट में आपके पास क्या है, ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं है, नीडल आपके पास सर्किट में लगी हुई है, करंट नहीं है, तो नीडल ने कोई भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं किया है, डिफ्लेक्शन यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। जैसे ही आपने क्या कर दिया, इस सर्किट को आपने क्लोज कर दिया, तो देखा है आपने कि नीडल ने भी जो है डिफ्लेक्शन शो कर दी है। कंपास की जो नीडल है इसने भी डिफ्लेक्शन को क्या कर दिया है, शो कर दिया है करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है, तभी तो इसने ये शो करना स्टार्ट किया है। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या करना है, ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व कैसे किया। अब हमने देख तो लिया कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है कोई ना कोई रिलेशन तो है। भाई रिलेशन तो है, ये किसने बताया है, ओरस्टेड ने जो है कंक्लूड किया है कि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या है, आपके पास रिलेशनशिप ज़रूर है। तो बहुत सारे जो है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट हुए इसका पता लगाने के लिए कि सच में ऐसा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन है या नहीं है। तो आपके हम एनसीईआरटी की डिस्कस कर लेते हैं, एक्टिविटी 12.2 जो है, ठीक है, एनसीईआरटी की है। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखो आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, ये आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ये आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये इसका क्या है, साउथ पोल है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में इन दिस एक्टिविटी वी हैव सीन आयरन फाइलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द फील्ड लाइंस। अब आयरन की फाइलिंग्स क्या है, ये आपके पास जो लोहे का चूरा होता है, आयरन मीन्स लोहा, और उसको क्या कर दिया है, पीसेस में कर दिया है, छोटे छोटे पीसेस कर दिया, उसका चूरा बना दिया बिल्कुल, और उसको क्या कर दिया, यहाँ पे टैप टैप कर दिया, ऐसे से पूरा टैप टैप करके यहाँ पे इसको फैला दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जब आपने टैप टैप करके पूरा लोहे के चूरे को, आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं, फिलिंग्स इसको नहीं बोलते, आयरन की फाइलिंग्स को जब हमने यहाँ पर इस बार मैग्नेट के आसपास में क्या कर दिया है, टैप टैप करके पूरा क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बार मैग्नेट है वो क्या हुई है, इनकी फील्ड लाइंस के इधर अलाइन कर गई है। जैसे आपको दिख रही है ना, ये देखो ऐसे, इसमें पूरी क्लियर आपको एनसीईआरटी की अपनी बुक में देखोगे तो आपको इमेज दिखाई देगी। तो सारा आपके पास ऐसे प्रोसेस बन गया है। तो क्यों बना है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। अभी हम इसको पूरी अच्छी तरह से जो है मैं आपको डिस्कस करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी। अगला एक और एक्टिविटी देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ से एक्टिविटी 12.4 है, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 12.4 है। ये आपके पास फिगर बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या कर रहा है मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये आपके पास एक क्या करी हुई है, यहाँ से एक आपके पास बार मैग्नेट है, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका क्या है, साउथ पोल है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। हमारे पास क्या है, हमने एक कंपास को ले लिया है, या हम मान लो एक कंपास की नीड, कंपास को लिया है और हमने क्या कर दिया, उसको हम डिफरेंट पोजिशन पर रख के देख रहे हैं। हमने उसको यहाँ रख दिया है, हमने उसको यहाँ रख दिया है, हमने उसको यहाँ रख दिया है, फिर यहाँ रख दिया है ऊपर। तो हम रख रख के देख रहे हैं कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसे निकल रही हैं आपके पास, यहाँ से तो आपके पास जो है ये लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहाँ से आपके पास ये निकल रही हैं, और ये कहाँ आ रही हैं, नॉर्थ की तरफ आ रही हैं। आपको तो फिगर में ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये लाइन निकल रही है, बाहर जा रही है, यहाँ से इस वाले इधर से बाहर निकल रही है, दिख रहा है, और यहाँ से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, और ऐसे भी करके क्या हो रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है पूरी। ये आपने क्या बना दिया, ऐसे दिख रही है ना आपको पूरी, क्या हो रहा है, ये नॉर्थ साइड से तो ये निकल रही है और साउथ साइड के अंदर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, यानी कि नॉर्थ से बाहर आ रही है, नॉर्थ साइड से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, यानी कि दूर दूर जा रही है, और साउथ से ये क्या कर रही है, एंटर कर रही है, यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो इसके साथ एंटर हो रही है ना अंदर इसके अंदर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इन्होंने क्या बना ली, क्या बन गया, एक तरह से क्या बन गया, ऐसे से बना ना सारा, यहाँ से निकली है, यहाँ आई है, यहाँ से निकली है, इधर एंटर करते गई है, ऐसे है ना। Just a minute. हाँ जी, एक बार दोबारा फिर देख लीजिए 12.4 वाली एक्सपेरिमेंट वाली एक्टिविटी को। यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट को लिया हुआ है। ये आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ। ये आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। यहाँ पे ये इसका नॉर्थ का पोल है और यहाँ पे ये इसका साउथ पोल है। हमने क्या किया है, हमने इसमें एक कंपास को भी लिया है, कंपास लिया है और इस कंपास को जो है अलग अलग प्लेस पे कंपास की नीडल को हमने रख के देखा। मान लो यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ पे रखा। अब आपके पास फिगर जो है सामने बनी है। जैसे ही हम इसको डिफरेंट पोजीशन पे बार मैग्नेट की रखते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है, हमने ऑब्जर्व किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स हैं वो क्या हो रहा है, ऐसे निकल रही हैं नॉर्थ से बाहर। और कहाँ एंटर कर रही हैं, आपके पास साउथ के अंदर वो एंटर कर रही हैं। नॉर्थ से बाहर जा रही हैं, नॉर्थ से बाहर जा रही हैं और साउथ के अंदर क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। यहाँ से गई, यहाँ एंटर करी। यानी कि नॉर्थ से अगर बाहर जा रही हैं, यानी कि दूर जा रही हैं, जैसे ही कंपास की नीडल को हमने रखा, इसने यहाँ नॉर्थ से क्या किया है, डिफ्लेक्शन शो करी है, नॉर्थ से दूर गई है। यानी कि यहाँ से इसको कुछ ना कुछ क्या हुई है, रिपल्शन फील हुई है, तभी तो यहाँ से क्या हुई है, दूर हुई है, दूर जा रही है, यानी बाहर की तरह आपने आपको क्या कर रही है, निकाल रही है। और साउथ ने इसने क्या किया है, अट्रैक्शन को फील किया है, कुछ ना कुछ इसके पास इसने पॉजिटिविटी फील करी है, या इसने देखा है कि अपोजिट में कोई चार्जेस प्रेजेंट है तभी तो अट्रैक्शन हुई है, तो इसने क्या हुआ है, अट्रैक्शन को फील किया है। तो यहाँ से देख लो, इन दिस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट वी प्लेस अ कंपास एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बार मैग्नेट। हमने क्या किया है, कंपास को अलग अलग पोजिशन पे इस बार मैग्नेट पे रख दिया है और हमने देखा है कि जो इसकी नीडल है वो क्या हुई है, रिपेल्स हुई है नॉर्थ के टूवर्ड्स और अट्रैक्ट हुई है साउथ के टूवर्ड्स। ठीक है, नॉर्थ के टूवर्ड्स क्या हुई है, रिपेल हुई है। और यहाँ से देखो आप पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी यहाँ से देखो, ये देखो बाहर, ये नॉर्थ साइड से क्या, और ये लाइंस बाहर निकल रही है ना, ये देखो बाहर निकल रही है यहाँ से, और साउथ में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो इन दिस एक्टिविटी वी हैव सीन फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो हम बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, हमने इस बार मैग्नेट के अराउंड में क्या देखा है, फील्ड लाइंस को देखा है, या आप कह लो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा है। हमने इस बार मैग्नेट के अराउंड में क्या देखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा है। तो देखते हैं, एज वी ऑब्जर्व रिपल्शन एंड अट्रैक्शन इन नीडल। हमने क्या ऑब्जर्व किया है, रिपल्शन को भी ऑब्जर्व किया है, अट्रैक्शन को भी ऑब्जर्व किया है। जब हमने नीडल को अलग अलग पोजीशन पे रखा है बार मैग्नेट की, इन नीडल प्लेसिंग एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ मैग्नेट विच मीन्स इट्स अ फ्लो ऑफ कंपास नीडल फॉर्मिंग अ लूप। यानी कि कंपास की नीडल में क्या हुआ है, फ्लो हुआ है, और फ्लो करते करते उसने क्या बना लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बना है, एक लूप बन गया है। क्या बन गया है आपके पास, एक ये लूप बन गया है ना। और इसको आप क्या ले सकते हो, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसने कुछ ना कुछ पाथ को फॉलो करते हुए इस लूप को बनाया है, या ट्रेजेक्ट्री बोलो, पाथ बोलो। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूडेड दैट देयर इज समथिंग इन फ्रॉम ऑफ लूप। तो कुछ ना कुछ तो है लूप के बीच में, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट मीन्स नो मैग्नेटिक फोर्स इन द सेंटर ऑफ दिस लूप। लेकिन जो ये लूप बनी है यहाँ पे, इसके साइड्स में तो है, यहाँ से जैसे निकली है, इसके साइड्स में तो है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये पॉइंट, ये पॉइंट आप ये पॉइंट ले लो, इनके बीच में क्या है, नो मैग्नेटिक फील्ड। बीच में आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, बीच में कोई नहीं है, साइड्स में है, या तो इस साइड है या तो इस साइड है, बट सेंटर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से इस बात का आपको ध्यान रखना है, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड दिस लूप, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ दिस लूप, नो इन द सेंटर। ठीक है, ये आपकी जो है एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। दोनों एक्टिविटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ब्रीफली फिर भी पढ़ना है, इसको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से बाय वर्ड्स पढ़ सकते हैं, मे बी आपको वहाँ से जो है ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन आपको यहाँ से भी जो है क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको सब कुछ यहाँ से। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स चलते हैं। टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमको पढ़नी है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया है, एरिया या कह लो आप कोई भी स्पेस है, कोई भी जगह है, कहाँ पे, मैग्नेट के अराउंड। मान लो अगर आपके पास ये मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, ये इसका क्या है, एरिया है, ये मैग्नेट के आसपास का एरिया है। तो ये क्या है, कहता है आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आपके पास एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है मैग्नेट के अराउंड, जहाँ पे क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इस एरिया में क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जिसको ये मैग्नेट क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ये कह लो कोई दूसरे मटेरियल्स करते हैं। फेरोमैग्नेट मटेरियल्स कौन से होते हैं, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, 12th क्लासेस में जाके इसके बारे में ब्रीफली पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि जो मैग्नेट से लव करते हैं, मैग्नेट को प्यारे हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि मैग्नेट हो गए, चार्जेस हो गए आपके पास, इसमें आपके पास एग्जाम्पल ले सकते हो निकल वगैरह का। बाकी आप इसमें पढ़ोगे 12th क्लास में, इसको ब्रीफली पढ़ोगे, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक लविंग मटेरियल्स होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गया है। ये आपके पास एक मैग्नेट अगर हम लेते हैं तो उसके आसपास का एरिया क्या है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स होती है प्रेजेंट, जो इस मैग्नेट को करता है, उस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है। वो देखता है कि उसके आसपास के एरिया में क्या है, मैग्नेटिक फोर्सेस प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिक फोर्स, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, यानी कि MF की बात होगी यहाँ से आपके पास, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइंस का मतलब जिसको हम आई से देख नहीं सकते, कैन नॉट सीन बाय आवर आईज, हमारी आंखों से उसको हम नहीं देख सकते। ये एक तरह से इमेजिनरी लाइंस होती हैं। एंड यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, ये बार मैग्नेट बता दिया है, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। जैसे ये इससे बाहर निकल रही थी, यहाँ से लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही थी, तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताया ना इसने। किससे पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पता चल रहा है। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। जैसे आप मान लो, अब आपको क्या करना है, बल्ब का एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपने बल्ब का डायग्राम बनाया है, आपको बताना है बल्ब कैसे लाइट को ग्लो करता है, सब कुछ आपको बल्ब की वर्किंग बतानी है। तो बल्ब की वर्किंग आप कैसे बताओगे, रिप्रेजेंटेशन से उसकी रेडियल डायग्राम बना दोगे ना बल्ब का। तो ऐसे ही आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, आपको उसके बारे में बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बारे में आपको बताती हैं। उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हो, उनकी यहाँ पे यूज़ होता है। दे हेल्प इन डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और साथ में साथ ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, उसको भी जो है रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर कितनी कैसे मैग्नेटिक फोर्स जो है आपके पास रिएक्ट कर रही है, अप्लाई हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की जो है डायरेक्शन को भी आपके पास क्या करता है, डिस्क्राइब करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिफरेंस जो है पता चल गया होगा। इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल तो डेफिनेशन नहीं है, आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL, इसको हम MFL भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में आपके पास MF और MFL लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। MF स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड MFL स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी देखो इसकी, बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, जिसको हम क्या करके चले हैं, मान के चले हैं। एजम्पशंस लेते हैं हम, मैथमेटिक्स में बहुत सारी एज्यूम करके चलते हैं वैल्यूज़ को। तो बाय कन्वेंशन डैट फील्ड लाइंस इमर्ज। इमर्ज, इमर्ज मतलब निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ, ये आपके पास क्या कर रही है, नॉर्थ पोल से क्या कर रही है, इमर्ज कर रही है। एंड मर्जेज एट साउथ, मतलब जाना। तो आपने देखा ही है, ये आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ये मैंने आपके पास एक नॉर्थ पोल बना दिया है, ये साउथ पोल बना दिया। यहाँ से क्या हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं और यहाँ से क्या हुई है, एंटर कर गई हैं। तो यहाँ से निकल के ये इसके अंदर आ रही हैं ऐसे ऐसे बनाना इसका स्ट्रक्चर आपने पीछे उसमें भी देखा है। तो यानी कि क्या है, बाय कन्वेंशन डैट फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और मर्ज करती हैं यानी कि अंदर आती हैं साउथ पोल से। ये तो बात की है हमने पोल के इनसाइड की, मतलब इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनसाइड की, तो बाहर आउटसाइड की बात करिए हमने, बाहर ऐसे ही हो रहा है तो इनसाइड में क्या होती है, इनसाइड में जो है ऐसे जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की टूवर्ड्स जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की टूवर्ड्स नहीं जाती हैं। इनसाइड ये क्या होता है, उल्टा चलता है प्रोसेस। आउटसाइड ये क्या करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में आती हैं। ये आपके पास क्या बन रहा है, एक लूप बनाती हैं, ठीक है। ये बाहर की बात हुई है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन हम इस मैग्नेट के अगर इनसाइड की बात करते हैं तो साउथ से नॉर्थ तरफ की जो है इनकी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एक बार दोबारा से पॉइंट को बता देती हूँ, बाय कन्वेंशन डैट द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। तो अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की जो है इसकी डायरेक्शन होती है। सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है यहाँ से, सेकंड पॉइंट है फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये तो आपने देख ही लिया है कि जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज कर्व में होती है। जैसे ये देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ से साउथ और ये नॉर्थ, ये लाइन ऐसे बनती है ना। इनका क्या होता है, ये पूरा क्लोज कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है ऐसे भी। तो क्या है, ये आपके पास क्लोज कर्व बनाती है ना, क्लोज कर्व बनाएंगी। अब मान लो अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट पूरी मैग्नेट है तब भी वो मैग्नेट रहेगी, मैग्नेट को ब्रेक कर लो तब भी वो मैग्नेट रहेगी, है ना। तो ये ऐसे ही फील्ड लाइंस आपके पास क्या बना रही है, क्लोज सा कर्व बना रही है ना, लूप बना रही है, या पाथ बोल लो, ट्रेजेक्ट्री बोलो, ठीक है। ये सब क्या है, एक आपके पास क्लोज कर्व में फॉर्म होंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स विच शोर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने देखा होगा, जैसे ही हमने पिछली भी जो डायग्राम, कई डायग्राम हमने देखे हैं मैग्नेटिक बार मैग्नेट के, तो आपने देखा है कि जहाँ पर उनके पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे क्या होता है, पूरी भीड़ होती है। यानी कि वो क्या आपको डिनोट करता है, क्या डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पे पोल्स के पास बहुत ज़्यादा भीड़ है। डैट मीन्स इस पोल्स के पास क्या है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये क्या है, मोर स्ट्रेंथफुल है, या कह लो बहुत ज़्यादा पावर है, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आया कि फील्ड लाइंस जो है ज़्यादा क्राउडेड कहाँ होती है, फील्ड लाइंस जो निकल रही है ना, कहाँ पे ज़्यादा निकलती हैं, पोल्स पे, पोल्स पे दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कौन डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो यानी आप यहाँ से बोल सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आपके पास क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, डैट मीन्स आपके पास यानी कि आपके पास क्या है, फील्ड लाइन ज़्यादा है, डैट मीन्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर हुआ यहाँ से पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ऐसे दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही टॉपिक भी है जो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़। तो इसको बहुत अच्छे से जो है नोट कर लो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को आप, और ये पक्का जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, और ये आपकी प्रॉपर्टी भी थी लास्ट, वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लो ये मैंने बना दी है लाइन नंबर 1, फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये आपस में क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, क्या रीज़न है इसके पीछे का। वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं कर सकती। मान लो ये दो लाइंस हैं आपके पास, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका कोई ना कोई क्या होगा, इनका कोई ना कोई क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा। तो ये क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइंस का। इन दो लाइंस का क्या है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है डैट मीन्स उन दोनों लाइंस की अलग अलग फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक लाइन इस फोर्स को दिखाएगी, एक लाइन इस फोर्स को दिखाएगी, है ना। ये इसने इस मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को दिखा दिया, इसने इस वाली को दिखा दिया, है ना। अब क्या एक लाइन, मान लो हमने कंपास को यहाँ रखा वो इस पोजीशन में जा रही है, यहाँ पे रखा तो वो इस पोजीशन में जा रही है, इस लाइन पे रखा, तो ऐसा क्या पॉसिबल है दो पोजीशन आएंगी? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी at any point is obtained by drawing a tangent to the magnetic field lines at the point as shown above figure। अगर आपको magnetic field पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, tangent को draw करना पड़ता है, यानी वही force वाली line। तो अगर ये आपके पास क्या है, दो field की lines है, यहाँ से ये इनका point of intersection मैंने P ले लिया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, tangent draw करना पड़ेगा। इसका tangent ये draw किया मैंने और इस line का tangent ये draw किया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स को बता रहा है, जैसे ही हमने इन लाइंस के ऊपर क्या किया है, टेंजेंट को ड्रॉ किया है। इन दिस केस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इस केस में क्या है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे एज शोइन फिगर, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल हैव टू डायरेक्शन। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इसके पास क्या है, दो डायरेक्शन है। एक तो ये वाली डायरेक्शन है फर्स्ट डायरेक्शन, और एक ये वाली डायरेक्शन आ जाती है सेकेंड डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब दो एरोज से आपके पास दो डायरेक्शन दिख रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड की। वन ड्रॉन टू ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पी विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना। यहाँ से अगर हम मान के भी चलते हैं, एज्यूम भी करते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी यानी कि उसके पास दो डायरेक्शन है, फोर्स को दो पोजीशन में जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, और दो पोजीशन में रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर दो पोजीशन आपको मैग्नेटिक फील्ड की मिल रही है, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस आंसर को आप यहाँ से नोट कर लीजिए, और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आपके पास ज़रूर 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 आएगा, डेफिनेटली ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट फिर भी आपको इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। क्या है टॉपिक, बार मैग्नेट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है। बार मैग्नेट क्या होता है, अ बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ आयरन। एक रेक्टेंगुलर पीस है किसी भी किसका, ऑब्जेक्ट का, आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, और या स्टील का बन सकता है, या फिर किसी भी फेरोमैग्नेट सब्सटेंस का बन सकता है। परमानेंट मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ को जो है ये शो करता है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये आपके पास क्या है, कोई भी रेक्टेंगुलर पीस है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आयरन से बना है, स्टील से बना है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप ब्रीफली जो है अपनी बड़ी क्लास में पढ़ोगे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके दो पोज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर ये हम रेक्टेंगुलर पीस लेते हैं, यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। बार मैग्नेट है टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट कैन अट्रैक्ट पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। अब अगर ये आयरन और स्टील के पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल्स जो बने हैं आयरन से, स्टील से, आपने देखा होगा, ये तो प्रोसेस सब बच्चे करते ही हैं। दोनों आपके पास क्या है, मैग्नेट है, उनको पास पास लेके जाएंगे, वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन को शो करेंगे, ठीक है। थर्ड, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर सच एज। अब मान लो लाइक पोल है, इसके पास आप क्या कर रहे हो, ये नॉर्थ पोल लेके जा रहे हो, तो ये क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे, ये इसको पीछे को धक्का मारेगा पीछे, ठीक है। नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। लेकिन अगर यहीं पर आप साउथ के साथ जो है साउथ पोल को लेके जा रहे हो, तो ये भी रिपेल करेगा, आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। और अगर हम बात करते हैं अनलाइक पोल की, मान लो ये आपके पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक और बार मैग्नेट है, यहाँ से क्या करा है, साउथ पोल है, तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे यहाँ से, मैग्नेटिज्म हो जाएगा, मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये आपके पास बार मैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक हैं, बिल्कुल भी कुछ इसके अंदर ज़्यादा आपके पास टफ नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। अब एक बार दोबारा से हम अपनी ओवरव्यू चलते हैं, चैप्टर की बात कर लेते हैं। आपको जो क्लियर हो गया होगा क्या पढ़ा था आज की वीडियो में हमने, आज की वीडियो में हमने पढ़ा था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्लियर हुआ, ठीक है। देन ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती उसके बारे में पढ़ा था, देन बार मैग्नेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने जो है डिस्कस किया था, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हुआ, अच्छे से हो गया होगा क्लियर आपको अच्छे से, हाँ जी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, सब कुछ हो ही गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो अपने डाउट अपने क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कुछ और मतलब मेन वीडियोज़ के साथ और आगे लेकर चलेंगे इस चैप्टर को और ब्रीफली इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।